हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी डायग्नोस्टिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि आपके पर्सन आपके लिए किस हद तक चाहत को रखते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन, अगला मूव क्या रहेगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव को हमेशा ही देखने चाहिए उनके करंट हालात क्या है, क्या सिचुएशन है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, @sudakshina1369 फॉर डेली रील्स। प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। आप जानते हो मैं हमेशा ही कार्ड्स को वेरीफाई ही करती हूँ, स्पेशली अगर हम मैं देखती हूँ कि वो करंट फीलिंग्स रिलेटेड है तो येस ऑफ कोर्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर किस तरह के सोच रखते हैं। बाप रे, द कार्ड्स आर पॉपिंग आउट लाइक एनीथिंग। क्या सोच रखते हैं, क्या फील करते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज बताएं यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 of Swords। ओके, वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, 2 of Wands, किंग ऑफ कप्स, 3 of Swords, we do have the 4 of Pentacles. देखो, जो मैं यहाँ पे अनुमान कर पा रही हूँ रीडिंग से, पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पे 5 of Wands, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में ना कुछ इस तरह की गलत फहमी हुए है जिसको मिटाना, आप तो उनको मिटा दोगे, इनको मिटाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है क्योंकि आप इनके बात को नहीं मान रहे हैं। 5 of Wands है, उसके बाद द हायरोफेंट भी 5 है, उसके बाद द 9 of Cups भी है। मैं सब कुछ लेना चाहूँगी, ठीक है। 5555555 आप इस रीडिंग के बाद देख सकते हैं, मे बी 5 बजे इस रीडिंग को आप देख रहे होंगे, ठीक है। 5 3 2 4 2 2 3 4 5 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंटिन्यूसली है। देखो यहाँ पे स्वर्ड साइन, दैट इज एयर साइन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी और हायरोफेंट। ओके, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, बोथ आर हैव कम एंड ऑफ कोर्स इट्स देयर। यहाँ पे मीन राशि है, यहाँ पे वृषभ राशि है, टॉरस है, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। ओके एंड इट्स देयर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। बेसिकली बात ऐसा आता है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें काफ़ी नाजुक हालात आप दोनों के बीच में चल रहा है। ये इंसान पहली बात तो है आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान जिस खानदान से ही बिलोंग करते हैं, जिस खानदान से आते हैं, कहीं ना कहीं पे वो खानदान जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा परंपरा को मानते हैं, अपने धर्म, अपने जाति, अपने ही कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन को ही एक्सेप्ट करते हैं और बाकी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो क्या कर सकते हैं वो इंसान, आपको अपना कैसे वो बना सकते हैं? वो फिर भी जारी है उनका, वो अपने फैमिली से लड़ रहे हैं और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? कुछ लोगों के साथ अपने फैमिली में तो उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया, लेकिन ये सारे चीज़ शायद आपके साथ वो शेयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग दैट अगर वो आपके साथ शेयर करे तो शायद मामला और भी गंभीर हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पे दे वांट टू गिव यू सॉलिड कमिटमेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपका, आपके दिल का जो घाव है, ठीक है, वो कैसे, मतलब उसमें कैसे वो, जैसे बोला जाता है ना मेडिसिन लगाना, ठीक है, किस तरह से वो दवाई दे सकते हैं आपको ताकि आप हील हो जाओ। दे वांट टू हील द रिलेशनशिप,
कहीं ना कहीं पे आप अगर बहुत सारे उनके विशेष है, बहुत ज्यादा ख्वाब है, लेकिन एक विश तो आप हो। देखो उनके पास 9 कप्स है बट 10 कप्स यहाँ पे मिसिंग है। सो कहीं ना कहीं पे दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। देखो आपसे उन्होंने ये छुपाया कि बाहर वो जाने वाले हैं, बाहर कोई कंट्री, बाहर कोई स्टेट या बाहर कोई सिटी में जाके वो शायद बिजनेस के लिए, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो आपको उन्होंने कभी भी नहीं बताया, इसका अफसोस डेफिनेटली रहेगा। बाकी चीज़ ये हमेशा फैंटेसाइज तो करते हैं लेकिन हकीकत में क्यों नहीं लेके आते हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है उनके पेरेंट्स जो है काफ़ी संस्कारी हो सकते हैं। और दूसरा है, हमेशा आप देखना अगर आपके मजहब के विपरीत हो, हमेशा उनके घर में कुछ पूजा अर्चना ये सब मतलब हमेशा ही रहता है, भजन कीर्तन ठीक है, सत्संग ये सब कुछ चीज़ होता रहता है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप क्या उनमें, उनके फैमिली इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पे क्या आप इनके फैमिली में फिट आओगे ठीक है, क्योंकि आप इस परंपरा को क्या निभा पाओगे फॉर लॉन्ग टर्म, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते ही है। ऑल राइट, सो दिस थिंग्स आर कमिंग इन देयर माइंड। दूसरा चीज़ है, जब आप देख रहे थे कि वो बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ द स्टेट सिटी या कंट्री, कहीं ना कहीं पे उनके मेंटालिटी में कुछ चेंजेस आपने देखा होगा। शायद उनके कोई ऐसी करीबी दोस्त उनको प्रोवोक किया होगा आपके अगेंस्ट में, इसलिए वो जब गए थे आपको कुछ बोल के नहीं गए थे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा रेजोनेट जरूर करेगा कि ये चीज़ आपको तो और चुभा कि जिसके साथ मैं दिन रात बात करती हूँ, बात करता हूँ, वो मुझे बिना बोल के बिना बताए, हो सकता है उन्होंने शादी भी कर लिया होगा लेकिन आपको बताया भी नहीं है ठीक है, शादी कर लिया होगा, उनके बच्चे भी हो गए होंगे ठीक है, आपको बहुत समय के बाद पता चला, अचानक कनेक्शन कट कर दिया उन्होंने ठीक है, पर आपको ऐसा लगता था कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ये मेरे बिना रह ही नहीं पाते थे, तो इस तरह का चेंजेस क्यों हुआ? इस तरह का चेंजेस इसलिए हुआ क्योंकि उनका जिस खानदान में शादी हुआ होगा, हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने देखा ठीक है, और इन्होंने अपना ग्रीड जो है, टेम्पटेशन जो है, लोभ जो है, वो उन्होंने वो संभाल नहीं पाए, सो दे गॉट अट्रैक्टेड टू फाइनेंशियल थिंग। ओके, दूसरा चीज़ है मुझे दिख रहा है उनके मम्मी पापा भी शायद अलाउ नहीं कर रहे थे, और उनको उसी खानदान में ही शादी करना था। पहले से ही शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो वही खानदान में शादी करेंगे, लेकिन आपके साथ, वेरी सॉरी टू से गाइज, आई नो यू आर हर्ट, पर आपके साथ सिर्फ टाइम पास रिलेशनशिप रखा और कैजुअल रखा और दिखाया कि नहीं मैं तो आपके साथ काफ़ी सीरियस हूँ, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ लड़ाई और झगड़ा क्यों किए, एक रीज़न वो भी है क्यों किया आपके साथ, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड, आप बोल सकते हैं ना मैम आपने तो बोला कि ये तो मेरे साथ फिर झगड़ा क्यों किए, व्हाई डिड दे डू दैट, बिकॉज ताकि आप उनको अपने मन से निकाल दो, ताकि वो आज़ाद हो पाए, ताकि आप उनके लिए और क्रेविंग मत करो ठीक है, वो ताकि चले जा सके कुछ और जगह पे, वो अपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए थे, तो जब उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो कोई किसको कैसे रोक सकता है, तो आप तो हर्ट हो गई ठीक है। ये इंसान इस तरह से कुछ प्रोफेशन में बता देती हूँ, दे कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, दे कैन बी अ वेरी गुड क्लिनिकल एक्सपर्ट, मे बी अ प्रोफेसर, मे बी इंस्ट्रक्टर, मे बी लेक्चरर, मे बी टीचर, मे बी अकाउंटेंट ठीक है, मैं हिंट्स दे देती हूँ, कैन बी अ बैंकर, कैन बी इन द पब्लिक मैनेजमेंट, पीआर, सेल्स, ओके इस तरह से हो सकता है, आर्मी मिलिट्री नेवी तो है ही है ठीक है। तो जनरली देखा जाता है ना स्पेशली कुछ फैमिलीज में कि नहीं आपको मतलब उनकी भाभी की बहन के साथ शादी करवा दिया गया, या उनकी साली के साथ ठीक है, अपने भाई का शादी करवा दी, इस तरह का मतलब अपने ही रिलेटिव्स में उन्होंने शादी कर लिया होगा और आपको कुछ मिला नहीं इनसे, तो आप बहुत ज़्यादा डाउन पोजीशन में आ गए। अभी ये इंसान को इस तरह से दिखता है कि ये जो घाव उन्होंने आपको दिया क्या वो सही है, अगर इवन ये अनमैरिड भी है अभी तक, तभी भी इन्होंने अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, शादी भी करना चाहते हैं लेकिन इन्होंने क्या एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ओके सो दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। फिर भी मैं
आपको बता देती हूँ कि दे वॉन्ट टू टेक रिस्क, लेकिन आप बोलोगे मैम अभी तक तो रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अभी तक दे आर पॉजिटिव अबाउट यू, ये भी नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ चले जाओ, और ये भी नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर आप उनका पीछा करो। कैसे इंसान है ये, बाप रे बाप। ओके सो लेट मी सी आखिर चाहते क्या है, बिकॉज आई वॉन्ट टू वेरीफाई चाहते क्या है आखिरकार वो। पेज ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे एक कैजुअल रिलेशनशिप की को बार बार बता रहे हैं। पेज ऑफ कप्स इज नॉट अबाउट दैट मच सीरियस एंड कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके साथ एक फ्रेंडली रोमांटिक जेस्चर में रहो, हमेशा ऐसा करते रहो कि येस आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मतलब प्यार तक सीमित रहे, यहाँ पे कोई कमिटमेंट या नेक्स्ट लेवल का मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेट मी सी फर्दर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक मरमेड है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आपको भी अवेयर होना चाहिए कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा, बिकॉज मरमेड अगर है मतलब डेंजर लेवल भी है आसपास, ठीक है। सो शायद ये ऊपर से ही बोल रहा है कि येस आई लव यू सो मच, बट वट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है। द टेम्परेंस 14 नंबर, यहाँ पे इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ना आप उनको समझ पा रहे हो, ना ये आपको समझ पा रहे हैं, ना वो डिसीशन ले पा रहे हैं, ना आप उनका जो है उनको ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दोनों साइड से। ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं बैलेंस करना, चाहते हैं सब कुछ, लेकिन कर क्या रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। टेम्परेंस इज नॉट दैट मच, टेम्परेंस इज ओनली लाइक यू कैन से दैट यूनियन, ऑफ कोर्स यूनियन, बट यहाँ पे एक्शन कहाँ है, एक्शन का कार्ड तो यहाँ पे अभी तक नहीं आ रहा है ना। सो लेट मी सी चाहते क्या है। देखा फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका कोई भरोसा नहीं करना है गाइस आपको, ठीक है, क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स दो दो बार आ रहा है यहाँ पे, राइट। फाइव ऑफ वैंड्स भी है, ये प्यार करेंगे, मैंने आपको यही बताया है, प्यार करेंगे, दिखाएंगे भी, आपके साथ फिजिकल भी होंगे, इंटीमेट भी होंगे, लेकिन फिर पांच दिन के बाद इनका मूड चेंज हो जाएगा, फिर ये डिसेप्शन होगा, फिर ये बोलेंगे नहीं मैंने आपको तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, क्या मैंने आपको बताया था। अगर मैंने आपको बताया, ठीक है व्यूअर्स, की कल मैं रीडिंग दे दूंगी, ठीक है, फिर मैंने रीडिंग नहीं दिया, ठीक है, तो मैं आपको पहले से बोल देती थी, ठीक है मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं रीडिंग नहीं दे पाई, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैंने उस चीज़ को हाइड कर दिया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग, फिर भी आप उनको बोलोगे कि आप फिर से मेरी ज़िंदगी में आए, तो ऑन एंड ऑफ यहाँ पे चलता रहेगा, बिकॉज इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं हो रहा है, ना आप उनको समझ पा रहे हो, ना वो आपको समझ पा रहे हैं, अगर आप भी उनको समझ पा रहे हो तो वो तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पे कोई गारंटी मुझे नहीं दिख रहा है। चाहते क्या है, देखो चाहते यही है, अगर आप उनको फोर्स करोगे तो फिर से वो भाग जाएंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फिर से ये इंसान चाहते कि आप ही इनिशिएटिव ले इस रिलेशनशिप को सही करने में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स गोल्डन कॉइन्स की भी बात करती है, जहां पे इनका जहां पे पैसा है वहां पे रुपया है, वहां पे वो डांस करेंगे, समझ में आ रहा है। ओके चाहते हैं कि आप पैसा कमाओ, चाहते हैं कि आप उनके पैसों पे राज ना करो, ठीक है, आप खुद भी कमाओ, इस तरह से है। ओके ऑलराइट, और देखते हैं क्या चाहते हैं इंसान। ओके मैजिशियन, ये इंसान आपको मोहित करना चाहते हैं, आप इन्हीं के बारे में डे एंड नाइट सोचते रहो सोचते रहो, आप इनके मोह माया में आ जाओ, और किसी के ऊपर आपका, ठीक है, इंक्लिनेशन ना हो, आप किसी और के बारे में सोचो ही ना, ठीक है, सिर्फ इनकी के बारे में सोचो। बापरे इतना सेल्फिश, इतना कुछ। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएशन है गाइस, कभी कभार ये सोचते हैं ये रिलेशनशिप एक मैजिकल है, कभी कभार ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई दम ही नहीं है, वही हुआ ना, दिस इज नॉट स्टेबल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं पे ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल अपने मन में, ना आप उनके लिए अपने मन में कभी श्योर हो पाते हो,
और ये एंजाइटी में आ जाते हैं जब आप उनको पूछते हो ना कि आप कमिटमेंट कब दोगे इस तरह से, तो वो डर जाते हैं क्योंकि उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा और वो अभी अभी का सिचुएशन जो है वो देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है ये फीलिंग्स चेंज हो, आफ्टरवर्ड्स द फीलिंग्स कैन चेंज, बट राइट नाउ आई डोंट सी एनी थिंग। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस हालात में, अगर आप इनको फोर्स भी करें, ये मूव ऑन कर जाएंगे, भाग जाएंगे, दे हैव टू ओके गो अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन बिकॉज वो अभी भी श्योर नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्यूब से देखना पड़ेगा कि क्या है उनका। डिस्टेंट टाइम में ये सब कुछ चीज़ सही हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, इनके मन में भी है, कनेक्शन बहुत पुराना है। कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पुराना है ओके कुछ कीड़े मकोड़े हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो काम कर रहे हैं ओके They may have the tattoo on the back or they have short hair if they are girls. Okay, काफ़ी stylish है आपके person अगर female है तो। बिजली गिरता है उनको जब आप बात करते हो commitment का, एक level relationship का। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये relationship एक ना एक दिन सही तो होगा, but it will take time. 4 o'clock indicate stability, the number 4. But it will take time. ठीक है, so this is all about today's reading. आपको क्या करना है, आपको इनको फोर्स नहीं करना और इनके साथ झगड़ा भी नहीं करना। अगर ये आपके साथ बात करे शांति से तो आपको इनके साथ शांति से बात करना है, उस इशू को रेज नहीं करना है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टेरर ऑफ एक्सपर्ट ट्रूथ। Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care.